As an aspirant, we always think about our important book and also proper books, and especially the strategy with the guidelines. So friends, hi, I am Harshit Rajlakhraju, and today I will share with you a very important book, that is the modern history section. Friends, as an UPSC aspirant, मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब शेयर करने जा रहा हूँ। ये किताब इतना महत्वपूर्ण है कि वो जितने भी हमारे वीडियोस, हमारे करीबी, जो हमारे कलीग, जो मेरे जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट इस सीरीज को देखेंगे, इसे अच्छे से महसूस करेंगे। ये किताब हमारे प्री से लेकर के मेंस तक दोनों एग्जाम में एक अलग इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। अगर मैं 2013 से लेकर के 2020 तक अगर मैं बात करूँ इस पुस्तक के बारे में, तो दोस्तों मैं बता दूं, यह किताब से लगभग हर सेक्शन में, इन स्पेशली प्रीलिम्स टू मेंस 15-20 एंड 20-25 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और यह किताब का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ स्टेट पीसीएस में भी जितने एग्जाम पीसीएस लेवल के होते हैं, जैसे बीपीएससी हुआ, झारखंड पीसीएससी, उत्तराखंड पीसीएससी एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनमें भी इनका योगदान काफी ज्यादा होता है। और साथ ही उन तमाम स्टूडेंट जो सीडीएस के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनकी भी एग्जाम में इनका योगदान रहता है। तो दोस्तों, मैं आपके समय कम लेते हुए मैं इस पुस्तक को शेयर करूंगा। मैं बता दूं, ये किताब जो है, ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर, राजीव अहिर साहब ने इस किताब को लिखा है। और ये किताब जब इन्होंने लिखा तो इसका ये कंट्रीब्यूशन इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि इसकी क्या व्याख्या किया जाए। आप यूँ समझ लीजिए कि इस पुस्तक से हर बार हमेशा की तरह ये एक तरह का रामबाण पुस्तक, ठीक है। यू कैन सी दैट इट इज अ बाइबल ऑफ यू नो मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप इस पुस्तक को नियरेस्ट डिक्शनरी या फिर कहीं भी स्टेशनरी पर जाकर के इसे ले खरीदे और ट्राई टू अप्रोच इन योर थॉट्स, ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मैं बार बार कहूंगा कि यह किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीसीएस एस्पिरेंट है, तो आप इसे अवश्य खरीदें और इसे पढ़ें। इसकी फीचर्स आपको मैं बता दूं कि ये तो दोनों ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये किताब अवेलेबल है। आप कहीं अपने नियरेस्ट या ऑनलाइन माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, सभी चीज़ों पर ये किताब आसानी से मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप जाइए, अवश्य खरीदिए और इसे पढ़िए। और हाँ दोस्तों, मैं फाइनली में एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ यू कैन चेंज टू अदर पर्सन। इफ यू वॉन्ट टू एनी यू नो क्रैक एन एग्जामिनेशन, सपोज यू जस्ट टू एथलीट्स, तो यू हैव टू अप्रोच द आइडियोलॉजी, योर ऑर्थोडॉक्स थाट्स, ये सभी जो चीज़ें हैं आपको मजबूत बनाते हैं। आपको यदि मोटिवेट होना है तो लुक एट योर सेल्फ। मोटिवेट होने के लिए आप खुद को देखिए, बात को समझिए एंड फाइंड आउट कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा फ्यूचर तभी तय होगा जब हम हर मोमेंट्स पे अपने आप को बेहतरीन यू नो विद द बुक्स, विद द हैप्पीनेस मोमेंट अच्छे से तय कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, एंड दिस इज अ जीएस पेपर वन बुक्स एंड आई विल अगेन मेक फॉर यू ऑल वीडियोज। जीएस पेपर वन की जितने भी इंपॉर्टेंट किताबें मैं बारी बारी से प्ले लिस्ट बना करके आपको जरूर शेयर करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।